हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे आज हम। मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:7 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5:3। क्वेश्चन है हमारा कि ए रेशो सी क्या होगा और ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड रेशो। ये जो ए रेशो सी पूछा है इसे बोलते हैं कंपाउंड रेशो, जो पहली वैल्यू से आखिरी वैल्यू का रेशो रहता है वो। और ए रेशो बी रेशो सी ये होता है हमारा सिंगल लाइन रेशो। ठीक है, तो देख लेते हैं ए रेशो सी कैसे निकालेंगे हम। कुछ भी नहीं करना है, 4:5 कर देना है, 7:3 कर देना है, ये आ जाएगा हमारा ए रेशो सी। कैसे आ जाएगा, 4:5 रेशो 7:3, तो आ जाएगा 4×5=20, 7×3=21 आ गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं हम a:b:c कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उल्टे m का इस्तेमाल करेंगे हम। देख लीजिए कैसे, इसमें नहीं अलग से देख लेते हैं अपन। मान लीजिए a:b हमें दिया हुआ है क्या, 4:7। ठीक है, और वही b:c अपना क्या था, 5:3। ये था हमारा क्वेश्चन। तो उल्टे n का इस्तेमाल करेंगे कैसे, सबसे पहले हम इस तरीके से उल्टा n यहाँ पे बना दिया हमने अपनी समझ के लिए, क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बनाना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। जब हम 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। और जब हम 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारा a रेशो b रेशो c। देख लीजिए कैसे, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा कि 4 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 5 से करेंगे, ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। b कैसे निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। और 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी c की वैल्यू। देखा हमने कैसे इस तरीके से n का उल्टे n का इस्तेमाल किया है, इससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4×5=20, 5:7=35 ठीक है। वही b:c इज इक्वल टू दिया हुआ है 3:2 और c रेशो d दिया हुआ है हमें 1:6। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है कंपाउंड रेशो यानी पहली डिजिट से आखिरी वैल्यू का रेशो। तो a रेशो d कैसे निकालेंगे, सिंपल इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगी a की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी d की वैल्यू। जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4×3, तो 4×3=12, 12×12 ये हो जाएगी हमारी a की वैल्यू। और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7×2=14 एंड 7×2=1 डायरेक्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6×2=12 हमने ऐसे लिख दिया और 7 को हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे हमने क्यों किया कि हम 12 को 12 से कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1:7। ये हो गया, अब डायरेक्ट पूरा इंटू करके और उसके बाद इसको कैंसिल भी कर सकते थे तो भी आपका आंसर 1:7 आ जाता। सिंपल, आप समझ गए होंगे ए रेशो डी कैसे करना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमें निकालना है इसी में सिंगल लाइन रेशो यानी a:b:c:d। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन में a की वैल्यू हमें मिल गई है और d की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब हमें निकालनी है c और b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पे हमें पत्ती बना देना है।
ध्यान से देखना, ये हमने एक लीफ बनाई है यहाँ पे, ठीक है। इस लीफ का क्या करना है कि इस लीफ से हमें, इस वाले पार्ट से हमें बी की वैल्यू मिलेगी और इस वाले पार्ट से हमें सी की वैल्यू मिलेगी। बहुत ही सिंपल है, देखिए ए की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी 4 × 3 × 1 करेंगे जब, बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये पत्ती जिस जिस वैल्यू से गुजर रही है, बस है ना, ये वाली लाइन जिस वैल्यू से गुजर रही है उन्हें इंटू करना है। तो ये 1 × 3 × 7 ये हो गई बी की वैल्यू, 1 × 2 × 7 ये हो गई सी की वैल्यू, और डी की वैल्यू 7 × 2 × 6 थी। तो ये हो गया, देख लीजिए कैसे 4 × 3 × 1 ए की वैल्यू रेशियो, ठीक है। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली लाइन कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, 1 × 3 × 7, तो 1 × 3 × 7 बी की वैल्यू, फिर रेशियो सी की वैल्यू। तो हमें बी की वैल्यू मिल गई है 1 × 3 × 7। अब हम देख लेते हैं सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, सी की वैल्यू देख लेते हैं। सी की वैल्यू मिलेगी 1 × 2 × 7, तो ये हो जाएगी 1 × 2 × 7 सी की वैल्यू, और रेशियो डी की, डी की वैल्यू कैसे मिलेगी, 7 × 2 × 6, तो 7 × 2 × 6 ये हो जाएगी डी की वैल्यू। बस इसे अपन सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, 4 × 3 × 1 आ जाएगा 12, रेशो 1 × 3 × 7 आ जाएगा 21, रेशो 1 × 2 × 7 आ जाएगा 40, रेशो 7 × 2 × 6 आ जाएगा अपना 84। और इसे आगे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोपोर्शन की बात करते हैं। अब प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है कि ए टू बी और डबल रेशियो सी टू डी, इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इनमें क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मान लो ए की वैल्यू दी है, बी की दी है, सी की दी है, डी की नहीं दी, डी की वैल्यू निकालना है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ए अपॉन बी, इस जो डबल रेशियो होता है इसको इक्वल टू लिखते हैं हम, और सी अपॉन डी। तो ये इस तरीके से कुछ होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है इनका, ये हो जाता है ए इंटू डी और ये होता है बी इंटू सी। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मान लीजिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 12 और रेशो दिया हुआ है x, हमको निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू, इसे हम अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, इसको 16 मान लेते हैं, 6 को ज़्यादा ही कैंसल आउट हो जाएगा इसलिए, तो इसे हम अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे 16 रेशो 12, 12 को हमको डबल रेशो लगा के दो बार लिखा हमने, ठीक है, और रेशो लिखा 6। अब जो हमारा फॉर्मूला था वैसे ही कर लिया इसको, फॉर्मूले में हमने देखा था क्या हुआ था, 16 × 12 = 12/6, ठीक है, मतलब हो जाएगा 16 × 6 = 12×12। तो इस तरीके से हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 144/16, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू आ गई क्या, 9। बहुत ही सिंपल है। अब हम देख लेते हैं मेन प्रोपोर्शन, कि हम किसी भी चीज वैल्यू का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है, मान लीजिए 36 और 49 दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू का हमें निकालेंगे हम 36, बीच में हम मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है, तो x डबल रेशो x और फिर हम रेशो लगा कर लिख देंगे 49, इस फॉर्म में हमको वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हमने जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा देना है, 36/x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 49, मतलब ये हो जाएगा 36 × 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, 6 × 7, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 × 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 42, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट उठता है क्वेश्चन से रिलेटेड, या कोई भी अदर क्वेश्चन में कोई भी डाउट उठता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।